मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। 2018 से मैं लगातार दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब पढ़ रहा था, उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विस की, स्टेट पीसीएस की। कहने को तो कह सकते हैं कि एक तरीके से मैं गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, जो सच्चाई, क्योंकि यूपीएससी देने वाले बहुत सारे छात्र होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब यूपीएससी के की तैयारी के लिए दिल्ली में या तो ओल्ड राजेंद्र नगर है या फिर मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर में गांधी विहार, वजीराबाद, कहीं भी आप रह लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यहाँ आते हैं, रहते हैं, एक तो इतने छोटे छोटे कमरे, ऊपर से उनका किराया, इसके बावजूद अगर आप किराया, सिक्योरिटी, सब ब्रोकरी जोड़ ले तो पहले महीने में तो आपके पास पैसा बचेगा नहीं। जब मैं आया था, मुझे याद है, और मैंने मुखर्जी नगर में जब शिफ्ट किया, 8,000 रुपये रूम का रेंट दिया, 8,000 रुपया ब्रोकरी दिया, 8,000 रुपया सिक्योरिटी दिया। मेरे पिताजी ने 20-22,000 रुपये भेजे थे मुझे। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या हुआ, मतलब मैंने उनको शाम को फ़ोन किया रूम लेने के बाद, तो मैंने कहा पिताजी एक भी रुपए नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया, कितना महंगा रूम ले लिया, क्या किया। अब गांव पर या हमारे इलाके में कहीं भी एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट जो दिल्ली में चल रहा है ब्रोकरेज का, जितना रूम उतना ब्रोकरेज उतना सिक्योरिटी, आप जब रूम छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी मनी वापस भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में 24,000 रुपये आपके कब खत्म हो जाए, कितने भी रुपये आप लेकर आइए, जितने का रूम उतना सिक्योरिटी उतना ब्रोकरी। इसमें हम ब्रोकरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से है मुझे नहीं पता, पर जिस रूम की ब्रोकरी के लिए आप पैसा ले रहे हैं वो रूम कितना अच्छा होता है ये तो मैं बता सकता हूँ। जितनी एरिया में मैं खड़ा हूँ इतना भी जगह मेरे किचन में नहीं है, जबकि हमारे पास स्टूडेंट के पास क्या होता है, एक कुकर होता है, कढ़ाई भी नहीं होती है, एक कुकर होता है जिसमें हम सब्जी बना लेते हैं, रोटी दाल सब बना लेते हैं, उसे एक तवा होता है, 2-3 चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद ना किचन में जगह है, रूम में अगर ढंग से सामान रख दिया जाए तो आदमी सोएगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, ये तो पता नहीं। माचिस की डिब्बी तो कह लीजिए, लोग कहते हैं उसमें ऊपर एक तरीके से दे देते हैं, उदाहरण देते हैं कि माचिस की डिब्बी इतना कमरा है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो माचिस की डिब्बी भी बड़ी है उससे, जिस तरीके से एक कमरे में, क्योंकि अकेला छात्र 8,000-10,000 रुपये महीने वहाँ नहीं कर सकता। अगर 8,000 रुपये वो रूम का रेंट ही दे देगा तो खाएगा पिएगा क्या। फिर इस दिल्ली में आप मानिए, जो चीज़ें कोरोना से पहले 10 रुपये में थी, आज 20 रुपये में है, ये सच्चाई है। 180 रुपये में अरहर की दाल है। किसी भी छात्र, मैं तो नहीं जानता, मेरे अपने जितने मित्र हैं, किसी के यहाँ रोज़ अरहर की दाल नहीं बनती है। तो ऐसे में अगर इतना रुपया यहाँ लग रहा है, उसके बावजूद हम कम मर जाएं, इसकी गारंटी नहीं है, तो काहे की तैयारी। जब मर ही जा, जब पता नहीं कि वो 6 मंजिला बिल्डिंग जिसमें मैं रूम लेकर के रहता हूँ, जिसके नीचे नाला बह रहा है, कब वो नाला धंसे, कब बिल्डिंग गिरे और कब कितने छात्र मर जाएं। 10 बाई 10 यानी कि 35 गज के मकान में आप जोड़िए 7 बाई 7 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, लगभग इतनी लंबाई चौड़ाई के मकान में सैकड़ों लड़के रहते हैं अगर 6 मंजिला मकान बना दिया जाए। आपको बता दें कि किसी भी ऐसे इलाके में अगर 6 मंजिला मकान बन रहा है तो उसकी सिक्योरिटी जिम्मेदारी कौन, 6 इंच से ज़्यादा ऊंची सीढ़ी रहती है। आदमी अगर 4 मंजिल 5 मंजिल चढ़ना होता है तो एक बार उसका दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगता है, क्योंकि अब 6 इंच से ज़्यादा सीढ़ी तो आप कितनी देर चढ़ेंगे। इस सब के बावजूद हम इतना पैसा लगाते हैं, इतना सब करते हैं, लेकिन क्या होता है अंत में होता क्या है, कहीं कोई गारंटी नहीं है। रोज बेरोजगारी का दम है, कहीं पेपर लीक है, कहीं पर असुरक्षा है, कहीं पर आप रात में निकले कोई चाकू मार। बीते दिनों मुखर्जी नगर में एक आया था, एक महिला, एक लड़की को, एक आदमी थोड़ा पागल था वो, हालांकि उसने चाकू मार दिया था। ऐसी घटना आई, करंट लगने से पटेल नगर में छात्र की मौत हो गई, 3-4 छात्रों की मौत राहु IAS में हो गई। तो अब ऐसे में जब अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी है सरकार से, हम इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तो शिक्षा तो आप दे नहीं पाए। शिक्षा अगर आप दे पाते तो कहाँ 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख पता नहीं कितना कितना फीस लोग भरते हैं। मैंने तो कोचिंग नहीं ली हुई है, फीस भरते हैं छात्र, तैयारी करते हैं। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य की बात है, तो अगर तबीयत खराब हो जाए किसी छात्र की, तो किसी रात आप दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में रात में जाएंगे, आपका नंबर जब तक आएगा तब तक हो सकता है कि आप इस धरती पर रहें ना रहें, कोई गारंटी नहीं है। तीसरी चीज़ सुरक्षा की, अगर आप सुरक्षा भी नहीं दे सकते कि अगर हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने रूम पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो सुरक्षित हो कि वो मकान गिर न जाए, पानी न भर जाए, क्लास में बैठ के पढ़ना। संस्कृति IAS की घटना के बारे में जिक्र करता हूँ। वहाँ क्या हुआ, 2 मंजिला इमारत में चल रही थी कोचिंग, छात्रों को कूद कूद के जान बचानी पड़ी, उसमें से कई छात्र मर भी गए। तो उसके जिम्मेदार फिर क्या हुआ, 10-15 दिन मामला,
मैं ये नहीं कह रहा, 10-15 दिन मामला नहीं, मतलब लंबी खींचने में चाहे विवाद, विरोध प्रदर्शन, ये सब इतना विवाद होना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सोल्यूशन तो निकालिए। देश की राजधानी है, आप कहते हैं कि देश की राजधानी बहुत अच्छी है, मैं भी मानता हूँ, मैं दिल्ली में सपने लेकर के आया था, मेरे जैसे हजारों युवा सपने लेकर के आते हैं, आज भी मैं सपने लेकर के पड़ा हुआ हूँ यहाँ, लेकिन सुरक्षा तो कम से कम जरूरी है। मेरे पिताजी का, मेरे माँ का फोन आता है, आज भी पूछते हैं कि बेसमेंट वाली लाइब्रेरी तो नहीं ज्वाइन की हो, घटना के बाद जब संस्कृति IAS में आग लगी तो घर वाले पूछते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर है कोचिंग की कहाँ है, मुखर्जी नगर हो या कहीं हो, कितनी लाइब्रेरी ना ग्राउंड फ्लोर पर चल रही हो, बेसमेंट में चल रही है, हादसे का जिम्मेदार कौन है? अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? सबकी जिम्मेदारी है, हमारी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, चाहे मैं हूँ या कोई और व्यक्ति हो, सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी कम से कम सुरक्षा की जाए, और सरकार जिम्मेदारी थोड़ी बहुत तो लेगी, थोड़ी बहुत कम से कम हमें मूल आवश्यकताओं तक तो जिम्मेदारी ले, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी सपने सबके होते हैं, कोई कितना भी सजा करके आए, कितना भी हो, लेकिन यहाँ आकर के जो सच्चाई है कि वही 10x10 के घर में 5-5, 6-6 बच्चे एक साथ रहते हैं, तो समस्या तो होती है, लेकिन उस समस्या की जिम्मेदारी, और अगर इतनी मजबूरी से आदमी छात्र पढ़ रहा है, कोई भी छात्र पढ़ रहा है, तो कम से कम इतना तो करना चाहिए उसे सरकार की, ये गारंटी ले कि हम सुरक्षित रहें, बस इतनी जिम्मेदारी मैं मांग करता हूं सरकार की, इतनी कम से कम जिम्मेदारी ले कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ेंगे, तभी कुछ बनेंगे, न सुरक्षित ही नहीं बचेंगे तो क्या बनेंगे बताइए।